अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं विज़िट करवा रही हूँ मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेटेड बाय सर इमरान खान। सर इमरान खान ने इसकी इनॉग्रेशन की है। अब बेसिकली समझ ले मियावाकी है क्या। थोड़ा सा मियावाकी का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। एक जापनीज प्लांट इकोलॉजिस्ट थे अकीरा मियावाकी। उन्होंने 1970 की दहाई में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि हम थोड़े से भी अपनी लैंड में से हमारी लैंड होल्डिंग अगर कम है, हमारे पास थोड़ा एरिया है, उसमें हम अपनी नेटिव स्पीशीज़ लगा के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस कैसे डेवलप कर सकते हैं। नेटिव स्पीशीज़ मीन इंडिजिनस स्पीशीज़, लोकल स्पीशीज़। उन्होंने अपने यहाँ की लोकल स्पीशीज़ को यूज़ किया, अब हम हमारे यहाँ हमारी जो लोकल स्पीशीज़ है हम उसको यूज़ कर हमने किया और ये एक माइक्रो फॉरेस्टेशन ये डेवलप हुआ। अर्बन फॉरेस्टेशन भी इसको कह सकते हैं। अर्बन फॉरेस्टेशन मीन के शहर के अंदर कोई छोटी सी जगह को आपने ऑक्यूपाई किया, उस जगह में आपने एक डेंस मल्टी लेयर प्लांटेशन की जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग होती है उसकी। अगर आप ये देखो सामने वीडियो में सारी इसकी इतनी डेंस ग्रोथ हो चुकी हुई है। ये फेब में लगाए गए थे प्लांट, फेब्रवरी में, अभी अक्टूबर में ये बहुत डेंस हो चुके हुए हैं। अच्छा, मियावाकी की ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, अगर आप देखो तो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन दी पाकिस्तान लाहौर फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। यहाँ पर कंक्रीट डेवलपमेंट इतनी हो चुकी हुई है, इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा बन चुकी हुई हैं और यहाँ पर पोल्यूशन और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी मियावाकी की डेवलपमेंट की। मीन इन शॉर्ट अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हुए हैं हमारे यहाँ। यहाँ पर हम लाहौर की अगर बात करें, बाकी सिटीज़ में भी यही है, तो वो उस अर्बन हीट आइलैंड की वजह से हमारा ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट वो डिफरेंट हो गया है। अगर हम बार बार सुनने के भाई दरख्त लगाओ दरख्त लगाओ, वो हम अपने फ़ायदे के लिए ही कह रहे हैं कि दरख्त लगाना इतना ज़रूरी है, ग्लोबल इम्पैक्ट चेंज हो गया है जी। अब अगर मियावाकी मेथड की बात करें कि मियावाकी इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, तो 3 फीट इसका जो सॉइल केक है, 3 फीट के सॉइल को निकाल के उसमें 2 फीट केनाल सील्ड भालू मट्टी, भल जिसको बोला जाता है, बहुत बेहतरीन होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। पीछे बच गया 1 फीट। 1 फीट में 4 इंच की लेयर है, इसमें राइस हस्क, 4 इंच फार्मियर मेन्योर गोबर की खाद, 4 इंच इसमें आ जाता है बगैस। ये सारी चीज़ें मिक्स करके प्रॉपर एक सॉइल जो है लेवल करके, अब ये लेवल भी मशीनरी से नहीं की जाती है क्योंकि वो हमने हार्ड पैन नहीं बनाना होता है, इसको मैन्युअली लेवल किया। और यहाँ पर जो प्लांटेशन मेथड है वो प्लांट 2-2 फीट के डिस्टेंस पर लगाए गए, 2 फीट के प्लांट में। अब इसका पर्पस क्या था कि 2 फीट के प्लांटेशन हो, डेंस प्लांटेशन इसका मकसद है लेने का कि टॉप से, अगर आप देखो टॉप से इसको सनलाइट मिलती रहे। जब किसी भी प्लांट को टॉप से या किसी भी जगह से सनलाइट मिलती है तो प्लांट की डायरेक्शन उस तरफ हो जाती है, जैसे फोटो पीरियडिज्म है, वो यही है पर्पस कि प्लांट को जहाँ से सनलाइट मिलती है उस तरफ मूव करता है। अब यहाँ पर टॉप से उसको सनलाइट मिलती रहेगी, इसके जो है लोअर साइड है जो कि इतनी डेंस है वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये वाइडली या चौड़ाई की तरफ ग्रोथ नहीं होगी, इसकी टॉप से अपर साइड पर इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो सारे ये अपर साइड पर ऊपर की तरफ ग्रो होना शुरू होंगे बजाय कि ये साइड वर्जिस पर ग्रोथ हों, तो हमें इसकी टॉप की ही ग्रोथ चाहिए होती है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर एक टॉप सॉइल के जब ये प्लांट सारे लगा दिए, ये है मल्च। अभी मल्च का पर्पस क्या है, इट वर्क्स एज एन इंसुलेटर। अभी इंसुलेटर के तौर पे कैसे काम करता है, हमारे यहाँ का अगर पाकिस्तान का इन्वायरमेंट देखें तो हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, तो ये जो है मल्च है ये बहुत ही सीवियर इन्वायरमेंट से बचाता है, मीन के बहुत ज़्यादा गर्मी से भी और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी। प्लांट के पास का इन्वायरमेंट है जो उसके दौर के पास का दर्जा हरारत है उसको इसने मेंटेन करना है, बरकरार रखना है इसके दौर के पास का। जितना ज़्यादा इसका दर्जा हरारत अच्छा होगा, यहाँ पर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोफ्लोरा है या अर्थवॉर्म्स हैं, उनके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट
जो है डेवलप होगा, उनकी कम्युनिटी अच्छी होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी। तो वो ऑलरेडी मतलब कि जब वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो हमारा इकोसिस्टम मेंटेन होगा। इकोसिस्टम में सब चीज़ें आ जाती हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें, बर्ड्स हैं उसमें, एनिमल्स हैं उसमें, ये इंसेक्ट्स कह लो ये भी आते हैं। अगर ये इस हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो हमारा इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो मल्च का ये बेसिकली पर्पस होता है यहाँ पर, इन सब चीज़ों को सस्टेन रखना है, माइक्रो फ्लोरा को मेंटेन रखना है। ये सब चीज़ें हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये अर्बन फॉरेस्टेशन, ये बर्ड्स के लिए भी। यहाँ पर बर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा आप आवाज़ सुन रहे होंगे और बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त मैं जहाँ यहाँ पर मौजूद हूँ। अर्बन फॉरेस्टेशन, माइक्रो फॉरेस्टेशन, ये बेसिकली पर्पस यही है कि किसी भी जगह की पोल्यूशन को कम करना है। डेंस प्लांटेशन होगी, जितने ज़्यादा दरख्त होंगे माहौल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हमने नेचर को कॉपी किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। अच्छा जी, प्लांट स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो हमने इसके अंदर लोकल इंडिजिनस हमारे यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं वो लगाई हैं। सामने आप देख रहे हो जामुन भी नज़र आ रहा है, एक मैं बीटल की पर जूम, ये रेड बीटल, क्रिस्टल बीटल बेसिकली, ये भी हाइबिस्कस के फ्लावर को च्यू कर रही है। और हाइबिस्कस के ऊपर मैंने बहुत देखी है बीटल, टिकोमा के ऊपर देखी है, रोइलिया के ऊपर देखी है ज़्यादा, वैसे जहाँ पर ब्राइट कलर के फ्लावर्स हैं जेट्रोफा के ऊपर बहुत देखी है, वहाँ पर बहुत देखी है, लेकिन अब ये हाइबिस्कस के ऊपर भी है। अच्छा, प्लांट स्पीशीज़ की हम बात कर रहे थे, नेटिव हैं इसमें जामुन, नीम, मोलसरी, पिलकन, पुटाजन, सुखचैन, इस तरह की स्पीशीज़ लगाई गई हैं। और शब्द में अगर हम बात करें तो ये जेट्रोफा आपके पास सामने है, रेड कलर की फ्लावरिंग पर आया हुआ बहुत बेहतरीन लग रहा है, हाइबिस्कस फूलों पर आया हुआ है, ब्रिस्टल बीटल उस पर बैठी हुई है। हमारे यहाँ की जो स्पीशीज़ हैं चांदनी, चांदना, रात की रानी, इस मरवा, मरवा उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है उसके फूलों की, वो लगाए गए हैं। देखिए पिलकन बोरी फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट होता है, नीम बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, नीम तो यहाँ पे छठे गियर पे गया है, बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। अच्छा, अब बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल प्लांटेशन एंड मियावाकी। कन्वेंशनल में जो हमारा इट्स मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, जैसे कि ये मियावाकी में 10 times फास्टर ग्रोथ होती है, 10 times फास्टर और एग्जैक्टली हुई भी है। अगर इसका एक टॉप व्यू दिखाऊँ तो ये सिर्फ 6 months हुए हैं इसको, मीन के एक सीज़न गुजरा है, तो ये डेंस वो प्लांटेशन हो चुकी हुई है, मल्टी लेयर कह लो आप, एक अच्छी ग्रोथ हो चुकी हुई है इसकी, 10 times फास्टर होती है इसकी प्लांट की ग्रोथ। अब ये 30 times ज़्यादा ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, 40% ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। बेसिकली मकसद तो यही है ना प्लांटेशन का कि हम ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाएँ, ऑक्सीजन पॉकेट्स बढ़ाएं। तो ये ऑक्सीजन पॉकेट है, ये छोटी छोटी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली पॉकेट्स हैं। ये जो ट्रूफा को देखें, ये आपकी बर्ड नेस्टिंग को बढ़ाता है। यहाँ पर मैंने बटरफ्लाइज इसके अंदर बहुत देखी हैं, यहाँ पर दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो बहुत आना शुरू हो गए हैं, बर्ड्स अगर आप यहाँ पर आवाज़ सुने तो बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम को सस्टेन करता है, बैलेंस रखता है, इकोसिस्टम को भी बढ़ाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसा चीज़ में कोई भी इनऑर्गेनिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ हुई है जो हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट ना करें। अगेन वही बात करेंगे, हमारी स्पीशीज़ ही वही हैं, नेटिव स्पीशीज़ हैं, हमारे यहाँ की लोकल स्पीशीज़ हैं। नीम बरसों से यहाँ पर होता आया है, अब भी हो रहा है, बहुत अच्छा डेंस हो रहा है। अच्छा, एक ये अर्बन फॉरेस्टेशन का एक कंसेप्ट ये है अकीरा मियावाकी का, इसमें टॉप से डिस्टेंस इसका है 2 feet। ये प्लांट स्पीशीज देखें, ये ट्रूफा, ये जब लगाए गए थे तब बिल्कुल एक सिंगल स्टेम प्लांट थे, अब इतने हेल्दी हो चुके हुए हैं और इस पर फ्लावर्स भी आ गए हुए हैं। नीम बहुत डेंस हो चुका हुआ है, सारा जंगल बुक बननी चाहिए अभी इस पर, जंगल बुक के जो कार्टून थे मोगली, बगीरा, सारे अब इस पर बनने चाहिए।